हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं न्यूली लॉन्च हुए वन प्लस के बुलेट्स जेड टू का रिव्यू। इसमें चेकआउट करेंगे कैसी है इनकी साउंड क्वालिटी। मैंने काफ़ी सुना है वन प्लस के बारे में, तो इसका सब कुछ चेकआउट कर लेंगे, बिल्ड क्वालिटी और बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ कैसा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग की मैं बात करूँ तो मैंने फ़ोन के साथ में परचेज़ करी है रिसेंटली। मैंने वन प्लस 10R बाय करा, उसके साथ ऑफ़र वगैरह में मिल रही थी ये 1000 रुपये में, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना लिया जाए। और वन प्लस की साइट पर ये ऑफ़र था तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है। बाकी आपको वन प्लस 10R का रिव्यू देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने इसका कंपैरिजन भी बनाया है एक फ़ोन से, आईफोन 11 से। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो जाके वो वीडियो ज़रूर देख के आना चैनल पर। और फटाफट देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या देखने को मिला था। ये बंडल पैक था। फटाफट इसकी अनरैपिंग करते हैं और जैसे ही आप इसको खोलोगे दो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, एक बुलेट्स Z2 और वन प्लस 10R। तो 10R की अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने अलग सेपरेट वीडियो में करी हुई है, वो लाइव है, जाके देख लो। और इस वाली वीडियो में अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बुलेट्स Z2 की। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लास्टिक हटा लेते हैं इसकी। और यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सी फिनिश में इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसको कि नीचे पुश डाउन करना है और ये ओपन हो जाएगा। और पीछे की तरफ यहाँ पर इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं सारी, जो भी आपको बॉक्स कंटेंट वगैरह देखने को मिलते हैं। और इन वाली ईयरफोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है, जो कि इनका एक मेन हाईलाइट है। तो मैंने ब्लू कलर में ये ऑर्डर करे हैं और इनको निकाल लेते हैं बाहर। सबसे ऊपर आपको हेडफोन्स ही देखने को मिल जाते हैं और ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं कलर से देखने में। बाकी कंटेंट चेकआउट कर लेते हैं कि इसके साथ आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये एक आपको इसके साथ बंडल बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके कि अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो इसकी यूज़र मैनुअल आपको देखने को मिल जाती है, देन एक वन प्लस का रेड केबल कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और एक टाइप सी टू टाइप ए केबल, जो कि ठीक ठाक लेंथ की है। अब गाइज इसका डिज़ाइन चेकआउट कर लेते हैं, फिज़िकल ओवरव्यू। सबसे पहले तो मुझे इसकी जो सिलिकॉन यूज़ करी है वो काफ़ी बढ़िया लगी, एकदम सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। और एक तरफ आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको माइक भी देखने को मिल जाता है और प्लस चार्जिंग पोर्ट भी। दूसरी साइड आपको सिर्फ बैटरी देखने को मिलती है। और ईयर टिप्स की मैं बात करूं तो इनका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी बढ़िया सा लगा और ये आपको शाइनी से मटेरियल में देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम सा बना देते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखने वाली ये आपको नेक बैंड देखने को मिल जाती हैं, इन मैग्नेटिक कंट्रोल भी है इनमें। तो डिज़ाइन की मैं बात कर लूँ, एक बार बाहर चल के भी देख लेते हैं कैसी ये लगती है। मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ वन प्लस की क्वालिटी से, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है। बटन की क्वालिटी बताऊँ तो बटन वगैरह की भी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एक साइड आपको वन प्लस की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है इसके साथ। अब एक बार ईयरबड्स को क्लोजली चेकआउट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह की इनमें आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपके इन ईयर फिट टाइप वाला डिज़ाइन है और काफ़ी बढ़िया से ये फिट हो जाते हैं कानों के अंदर। बाकी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको साथ देखने को मिल जाते हैं, तो उनको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लगा सकते हो। अब चेकआउट कर लेते हैं कनेक्टिविटी। तो वन प्लस के मोबाइल के साथ काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। एक पॉपअप शो होता है जैसे ही आप तो इनको ईयरफोन्स को ऑन करोगे, और मुझे ऑन ऑफ़ करने वाली चीज़ भी काफ़ी बढ़िया लगी इन ईयरफोन्स की। बाकी ये कनेक्ट हो गई है तो इसके अंदर आपको हाईरेस ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, हाई क्वालिटी की ऑडियो, उसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया वन प्लस के साथ सपोर्ट करती है ये ईयरफोन्स, तो वन प्लस वाले फ़ोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है ये। और नेक बैंड है तो काफ़ी बढ़िया से आप इनको यूटिलाइज़ वगैरह भी कर सकते हो। ट्रू वायरलेस होगी तो यहाँ से आप उनके कंट्रोल्स भी चेंज कर सकते हो। नेक बैंड में कुछ ऐसे कंट्रोल्स नहीं होते तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। अब कंट्रोल की ही बात कर लेते हैं
तो प्लस माइनस आपको वॉल्यूम के दिए गए हैं, वॉल्यूम की से आप प्लस और माइनस कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस से जल्दी जल्दी हो जाएगा। और आपको मेन मिडल वाला बटन प्ले पॉज करने के लिए देखने को मिल जाता है, डबल टैप से आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर दोगे और ट्रिपल टैप से प्रीवियस सॉन्ग पे। तो यही सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। प्रेस एंड होल्ड से आप असिस्टेंट को बुला सकते हो, जो कि थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा क्योंकि इसमें कई बार ईयरफोन्स भी ऑफ हो गई थी। अब गाइस बात कर लेते हैं फिट एंड कंफर्ट की, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इनको आप अपने नेक में डालो और उसके बाद इजीली लगा लो, काफ़ी बढ़िया सी फिट आई है, आप क्लियरली यहाँ पर देख भी सकते हो। अब म्यूज़िक क्वालिटी की तरफ चलें तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। आपको बहुत ही रिच साउंड देखने को मिल जाती हैं, जिसके कि बेस बढ़िया है, ट्रबल्स बढ़िया हैं, ओवरऑल आपको बहुत ही बढ़िया आउटपुट देखने को मिल जाता है साउंड के मामले में। और माइक क्वालिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉल्स वगैरह पर मुझे थोड़ी सी आवाज़ कम लगी, माइक की क्वालिटी मेरी आवाज़ काफ़ी बढ़िया से जा रही थी, बस मुझे रिसीव करने में थोड़ी सी यहाँ पर कमी लगी आवाज़ में। और यहाँ पर फिट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, तो गिरने विरने के भी रिस्क यहाँ पर नहीं है, आप इनको हल्की फुल्की रनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, और अगर गिर भी गए तो नीचे नहीं गिरेंगे, आपके नेक के अराउंड ही रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है नेक बैंड की, कि ये आपके गले में पड़ा रहेगा और आपकी कोई कॉल्स वगैरह आई तो आप इजीली पिक कर सकते हो और इनको लगा सकते हो, इनको कैरी वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक्स्ट्रा स्पेस ये आपकी पॉकेट में या बैग में नहीं घेरते हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे। और गेमिंग वगैरह भी मैंने इस ईयरफोन्स पर करी, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मुझे गेमिंग में ये लगी, और लेटेंसी इश्यूज़ वगैरह मुझे खास इनमें देखने को नहीं मिले, और बढ़िया से सराउंड साउंड काफ़ी अच्छे से आती है। यहाँ पर AI नॉइस कैंसिलेशन ने काफ़ी बढ़िया काम कर रखा है। एक और मुझे इसका खास फीचर लगा कि जैसे ही आप इनके मैग्नेट्स को हटाते हो, ये अपने आप ऑन हो जाती हैं और एक पॉपअप शो कर देती हैं, और जैसे इनकी मैग्नेट को आप ऑफ कनेक्ट करोगे, ये बंद हो जाती हैं, डिसकनेक्ट हो जाती हैं। अब बैटरी बैकअप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 30 घंटे तक का बैकअप कंपनी क्लेम करती है, जिसमें से आप 22-25 घंटे का आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस फास्ट चार्जिंग आपको 10 मिनट की आराम से पूरे एक दिन का बैकअप दे देती है, 15 से 16 घंटे आराम से बढ़िया बैकअप दे देगी। तो ये इसका मेन हाइलाइटिंग फीचर था। और ओवरऑल मैं इन ईयरफोन्स की बात करूँ तो बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और फास्ट चार्जिंग तो यहाँ पर बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ इससे। इसके लिए आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको बहुत बढ़िया प्रीमियम साउंड की ईयरफोन्स चाहिए, थोड़े से आपको वो एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, बट बहुत अच्छी क्वालिटी आपको ऑफर करेगा वन प्लस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।